नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपका अपने चैनल ड्रीम इलेवन टीम्स में, जहां मैं आप लोगों को ड्रीम इलेवन से जुड़ी हुई अपडेट्स और टीम न्यूज़ देता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाले टेस्ट मैच के दूसरे टेस्ट मैच के लिए बनाया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई थी और इंडिया जीत गई थी, तो फिर अभी ये दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है इन दोनों के बीच में। तो फिर मैं इस वीडियो में इन दोनों मैच की अपडेट दूंगा, जिसकी डेडलाइन आप देख सकते हैं 12 घंटे बची पड़ी है। तो इस मैच की अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों को ये जो ऑफ़र आया ड्रीम इलेवन में एडिंग का, वो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ट्रिप आपके लिए ये पहला ऑफ़र तो बहुत बेकार है फ्रेंड्स, अगर तो फिर दूसरा और तीसरा ऑफ़र सही है। अगर आप 777 डालिएगा तो 333 का कैश बोनस मिलेगा, और अगर आप 133 डालिएगा तो 77 का कैशबैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और बता दूं, बहुत लोगों को ये लगता है कि इन तीनों में से कोई एक ही ऑफ़र वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बस इतना बता दूं कि ना, आप चाहें तो ये तीनों ऑफ़र ऐड करके तीनों यूज़ कर सकते हैं। इसकी रियल प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने 777 ऐड किया था, 333 कैशबैक मिला, और यहाँ पे मैंने 133 ऐड किया था, 77 का कैश बोनस मिला। तो फिर आप भी लोग ऐसा कर सकते हैं और मतलब कि पैसे जीत सकते हैं। तो फिर ये जो कैश बोनस जो भी मिल रहा है, लगभग 50% का मिल रहा है, तो फिर आप लोग इसको अप्लाई करें और मतलब कि पैसे जीतें। और फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को इस टीम की न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जहाँ तक बात कर लें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, तो आप लोगों के लिए मैंने दो टीमें बनाई हैं, जो ग्रैंड लीग और हेड टू हेड दोनों के लिए टीमें हैं, पर मेरी ज़्यादातर टीमें हेड टू हेड लीग में ही सही रहेंगी। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरी टीमों को हेड टू हेड लीग में प्रेफर करें। तो फिर अपनी टीम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी जो भी टीम न्यूज़ है वो बता देता हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरी टीम न्यूज़ देख सकते हैं। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पिछला मैच हार चुकी थी, और स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के जाने के बाद उनकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। अगर अभी तक जैसी न्यूज़ पता चली है कि वो लोग मतलब कि सेम प्रोबेबल 11 के साथ जाएंगे। जैसा कि हम लोग ओपन की बात कर लेते हैं, ओपन में एरन फिंच और मार्कस हैरिस ओपन करेंगे। और जैसे कि फिंच ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें भी लगभग ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया था, और हैरिस का वो सीरीज़ बहुत अच्छा रहा था। तो और मतलब कि दोनों ही अच्छे खासे टेस्ट बैट्समैन हैं। बट जैसा कि फिंच की बात कर लेते हैं, फिंच पिछले मैच में फेल हो गए थे, तो फिर आप लोग चाहें तो दोनों के साथ जा सकते हैं, नहीं तो किसी एक के साथ जा सकते हैं। फिंच को लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन बॉलर उनको जल्दी आउट कर देते हैं। उनके बाद वन और फर्स्ट और सेकंड डाउन के लिए आएंगे उस्मान ख्वाजा और शोन माश आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड डाउन के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ख्वाजा जो है हाईएस्ट मतलब कि रन स्कोर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, और मतलब कि पिछले मैच में भी उन्होंने मतलब कि कुछ अच्छी पारियां खेली। पी हैंड वॉर्म ऑफ ट्रैविस सीट उसके बाद आएंगे बैटिंग करने के। ट्रैविस सीट ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और मतलब कि कुल मिला के 50 पॉइंट दी थी। पीटर हैंस ब्राउन ने भी लगभग 25 पॉइंट दिया था, तो फिर आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। ये बैट्समैन दोनों ही बैट्समैन टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। उनके बाद इनके विकेट कीपर आएंगे टी पाने, और उनके बाद जो आएंगे ऑलराउंडर पैट कमिंग्स बैटिंग भी कर सकते हैं, और वो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जब आएंगे बॉलिंग करने के लिए, उसके बाद जो आएंगे बैटिंग करने के लिए, वो मिथिल स्टार्क आएंगे। मिथिल स्टार्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेस बॉलर हैं, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनको ले। और जैसे कि बॉलिंग में पेस डिपार्टमेंट संभालेंगे मिथिल स्टार्क, पैट कमिंग्स और हेजलवुड। और इन तीनों को छोड़ने के बाद जब बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पिन डिपार्टमेंट में नेथन लायन स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। और नेथन लायन ने पिछले मैच में 8 विकेट लिए थे, और मतलब कि स्टार्क ने 5 विकेट लिए थे, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन दोनों को अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर लें। अब जैसे कि बात करें कि इंडिया ने अपनी 13 मैन की स्क्वाड अनाउंस कर दी है, तो फिर ये इस मतलब कि इन्हीं 13 में से मतलब कि प्लेयर को मौका देंगे। तो फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये मतलब कि 13 मैन स्क्वाड्स पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सबसे तगड़ी न्यूज़ आ रही है वो रोहित शर्मा, अश्विन और जो है क्या नाम है रोहित शर्मा, अश्विन और पृथ्वी शॉ, ये तीनों रूल्ड आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से। आप इन तीनों को बिल्कुल ना लें चोट के कारण। अब बात करते हैं
अब इस मैच में रविंद्र जडेजा और हनुमान विहारी के खेलने के चांसेस हो रहे हैं, तो फिर देखते हैं ये दोनों खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जैसा कि पिच जो है वो पेसर को सूट करती है, तो इसलिए इन दोनों के खेलने के भी चांसेस कम हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंडियन पेसर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में लें। जैसा कि हम लोगों ने पिछले मैच में देखा था, इंडियन पेसर के सामने मतलब कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे इस वाली न्यूज़ पृथ्वी शॉ रोल्ड आउट हो चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को पिछले मैच की वीडियो में भी बता दिया था। तो फिर अब जो इंडिया की तरफ से ओपन करने के लिए आएंगे मुरली विजय और केएल राहुल आएंगे ओपन करने के लिए। इन केएल राहुल के बाद आएंगे चतेश्वर पुजारा, जो पिछले मैच में इन्होंने 100 स्कोर किया था, तो फिर चतेश्वर पुजारा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। विराट कोहली जो सेकंड डाउन आएंगे बैटिंग करने के लिए, सचिन के जाने के बाद विराट कोहली सेकंड डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं, जो मतलब कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्लेयर हैं अभी, सबसे अच्छे बैट्समैन हैं अभी। तो फिर आप विराट कोहली चतेश्वर पुजारा के दोनों को ही अपनी टीम में लें। और अगर उसके बाद बात करें अजिंक्य रहाणे आएंगे बैटिंग करने के लिए। अजिंक्य रहाणे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब हनुमान विहारी के चांसेस हो रहे हैं रोहित शर्मा की जगह, अगर हनुमान विहारी नहीं खेलेंगे तो क्या कहते हैं ये जडेजा रविंद्र जडेजा खेलेंगे, तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में ले सकते हैं। तो फिर अब उसके बाद आएंगे ऋषभ पंत, और उनके बाद जो जैसे कि अभी तक न्यूज़ चल रही है रविंद्र जडेजा भी आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए ऋषभ पंत के बाद। और उसके बाद जो इंडिया मतलब कि अपने पेसर के साथ जाएगी, मतलब कि उनके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर, ईशांत शर्मा, ये तीनों मतलब कि इंडिया के पास पेस बॉलर हैं। जैसा कि पिछले मैच में शमी ने 6 विकेट लिए थे और बुमराह ने 5 विकेट लिए थे, तो फिर आप इन दोनों को भी अपनी टीम में ज़रूर से लें। अब अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो विकेट कीपिंग की बात करें तो दोनों ही बैट्समैन जो हैं पाने और पंत दोनों ही अच्छे हैं, तो फिर अगर आप चाहें तो ऋषभ पंत को ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल से टीम पाने भी अच्छे ही ऑप्शन रहेंगे आप लोगों को। मतलब कि अब जैसे कि पिच कंडीशन जैसे कि मैंने पहले ही बता दी है कि पिचर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये मैं आप लोगों को अपनी दोनों टीम की प्रोबेबल 11 बता देता हूँ। लोकेश राहुल, मुरली विजय, चतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमान विहारी या फिर भुवनेश्वर कुमार से कोई ही खेलेंगे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा या फिर रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और क्या कहते हैं हनुमान विहारी, इन तीनों में से कोई दो ही प्लेयर खेलेंगे, तो फिर आप उस हिसाब से अपने प्लेयर ले सकते हैं, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और बुमराह। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। ऑस्ट्रेलियन में एम हैरिस, एरन फिंच, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंसवर्थ, टावी सिट, टिम पाने, पैट कमिंग, स्टार्क, नेथन लायन और हेजलवुड। अब जैसे कि इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, मुरली विजय, पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, बुमराह और अगर जडेजा खेलेंगे तो जडेजा भी। और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो एरन फिंच, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंसवर्थ, पैट कमिंग, मिथल स्टार्क, नेथन लायन और हेजलवुड। अब कैप्टन वाइस कैप्टन में चॉइसेस की बात करें तो विराट कोहली आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सही है, पुजारा, रहाणे, पैट कमिंग्स तो उतने ज़्यादा सही नहीं रहेंगे, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श और मिथल स्टार्क, ये सारे मतलब कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सही रहेंगे। तो फिर अब मैंने जो आप लोगों को अपनी टीम दिखा देता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो फिर फ्रेंड्स ये मेरी टीम रहेगी ड्रीम इलेवन की, एक मेरी टीम ये है, और फ्रेंड्स ये मेरी दूसरे मैच की टीम है, ये मेरी दूसरे मैच की टीम रहेगी, और जो भी प्रोबेबल 11 से रिलेटेड न्यूज़ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।